नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ आरती सिंघा साथ। और अब करते हैं खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के हर थाने में दूसरे दिन एक FIR जरूर दर्ज होती है, लेकिन प्रदेश के महाराजगंज में एक ऐसा थाना है जहां आज तक लूट, हत्या, डकैती, चोरी जैसे गंभीर अपराध का एक भी केस दर्ज नहीं है। थाने का नाम है सोहगी बरवा। 3 गांव की आबादी के कार्य क्षेत्र वाले इस थाना क्षेत्र में गंभीर अपराध होते ही नहीं है। यहां तक कि चोरी भी इस इलाके में नहीं होती, सिपाही गश्त पर भी नहीं जाते। दरअसल एक खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर जंगल के डकैतों के आतंक को खत्म करने के लिए शासन के आदेश पर 2003 में थाने की स्थापना की गई थी। थाने में एक सब इंस्पेक्टर, एक SI, 8 सिपाही ही तैनात थे। हालांकि यह संख्या अक्सर अचानक बढ़ जाती है, क्योंकि जब अफसर नाराज होते हैं तो इसी थाने पर पोस्टिंग करते हैं। पुलिस वालों के लिए यहाँ पर तैनाती काला पानी की सजा से कम नहीं है। सीधे महाराजगंज आने का कोई रास्ता नहीं है, नदी में नाव के सहारे ही सीधे आया जा सकता है या फिर बिहार नेपाल से होकर आना पड़ता है। इस थाने के निरीक्षण पर कोई अफसर नहीं आता जाता। यहाँ तक कि फरियादी न आने की वजह से कई अफसर इस थाने के बारे में जान ही नहीं पाते हैं। करीब 3.5 साल पहले थाने की भौगोलिक स्थिति को जानने के बाद IG रहे नीलाब्जा चौधरी ने इस थाने का निरीक्षण किया था। थाने की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ही ADG जोन दावा शेरपा ने यहां पर विशेष दस्ता का गठन कर दिया है। जिन पुलिस वालों की शिकायत बढ़ जाती है उसे इस दस्ता में भेज देते हैं। हालांकि ADG अपने आदेश में यह लिखते हैं कि विशेष कार्य दक्षता को देखते हुए पोस्टिंग की जा रही है। अब तक 10 से ज्यादा लोगों को इसी तरह उस दस्ते में भेजा जा चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें न्यूज टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।